तर आपण आपल्या मुद्द्यावर ठाम बसणार आहे. आपण उत्तर उपोषण 100% ने 100% करणार. मग भले आपला जीव गेला तरी चालेल, पण आपण आपल्या मुद्द्याशी ठाम आहे. नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली. दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं द ग्रेट वॉल ऑफ वसई के यहाँ. एक वॉल चाइना में है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और दूसरी वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ वसई. ये द ग्रेट वॉल ऑफ वसई का मैंने खिताब दिया था पिछले साल. आप देख सकते हैं हमारे पीछे तांदुल बाज़ार करके ये एक शोरूम दिखाई दे रहा है आपको. उसके यहाँ एक ये नाला बना हुआ है. नाले के यहाँ हम खड़े हैं. ये नाला जो है, इस नाले पे दीवार बनी हुई है सामने, इसको हमने संज्ञा दी है द ग्रेट वॉल ऑफ वसई. उसके पीछे का कारण यह है कि ये नाला जो है वो प्राकृतिक नाला 20 मीटर का बनना चाहिए था, वो 5 मीटर का बना. लेकिन तब भी ये नाला प्राकृतिक नाला नहीं, बरसाती नाला नहीं होके एक गटर बन के रह गया. इस पर बहुत पाठ पुरावा किया गया, लेकिन तब भी महानगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की. एक बार फिर नाला बनने के बाद में दीवार बना दी गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई. अब इसी मुद्दे को भविष्य पहले मैंने उठाया हुआ है. वर्तमान में इसको मन से वसई के मन से पदाधिकारियों ने उस मुद्दे को उठाया. इसके अलावा मन से पदाधिकारी के कुछ और भी मुद्दे हैं, उसके ऊपर मन से पदाधिकारी आने वाले समय में आंदोलन उपोषण भी करने वाले हैं. तो जानते हैं मन से पदाधिकारी से. सर, आपका नाम? मैं दिनेश शांताराम बनखिले, वसई शहर से, जो मन से. सर दिनेश सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं और किन मांगों पर आपने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है कि आप उपोषण करने वाले हैं, तो क्या वजह है उपोषण क्यों करने वाले? येत्या 22 तारखेला म्हणजे सोमवारी माझं उपोषण होतं. ते सोमवारी उपोषण आपण महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, सहआयुक्त यांना, आवडेकर यांना आपण ते निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी आपल्याला काल त्यांनी सांगितलं की 15 दिवसाची आम्हाला मुदत द्या, म्हणजे त्यांनी विनंती लेटर आपल्याला दिलं. आणि त्यानंतर आपण ते 15 दिवस त्यांना वेळ दिलेला आहे, परंतु आपण त्यांना सांगितलं आहे 15 दिवसांनंतर तुम्ही ते 10-15 दिवसानंतर तुम्ही तुमचं जे अतिक्रमण तुम्ही काढलं नाही, तर मी माझ्या मुद्द्यावर ठाम असणार आहे. मुद्दे कोण कोण से, किन मुद्दों? माझे मुद्दे हे 5 मुद्दे आहेत माझे. एक तर तांदूळ बाजार हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा एक मुद्दा आहे वसई स्मशानभूमीच्या समोर जे पाचूबंदर आहे, पाचूबंदरच्या समोर जे अतिक्रमण केलेलं आहे, अनधिकृत बांधकाम, तो एक विषय आहे. डीमार्टच्या समोर कुठल्याही परवानगी नसताना डीमार्टच्या समोर ज्या गाड्या अनधिकृत चालतात, जिथे हप्ते वसुली चालते, तो एक मुद्दा आहे. हा डीमार्टच्या नंतर आपला त्याच्या अगोदर खाऊ गल्ली आहे, त्या खाऊ गल्लीमध्ये सुद्धा गटर लाईनवर खाऊ गल्ली मोठ्या प्रमाणात बांधलेली आहे, तिथेसुद्धा हप्तेखोरी आणि वसुली चालते, त्यासुद्धा मुद्द्यावर मी त्याला हात घातला. असे 5 मुद्दे आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचा दुसरा एक मुद्दा आहे तो पारनाकामध्ये आपण बघितलं तर ते पिंपळाचं झाड आहे, त्या पिंपळाच्या झाडाच्या बाजूला एक छायालंच होम आहे, त्या छायालंचोमच्या बाजूला सुद्धा आपण हात घातला होता. कारण ती सरकारची जागा आहे आणि सरकारच्या जागेमध्ये त्यांनी केलेलं अतिक्रमण आणि सरकारच्या जागेवर अतिक्रमण पोट भारी करून त्यांनी दिलेलं आहे, तर ते अतिक्रमणसुद्धा आपण हात घातलेला आहे. ते काम करू नये म्हणून ते बंद करावं म्हणून सांगितलं, पण महानगरपालिकेने कुठल्याही प्रति लक्ष दिलं नाही, म्हणून आपण हे उपोषण छेडलेलं आहे आणि या मुद्द्यावर आपण ठाम आहे. पण त्यांनी काल सांगितलं का आम्हाला 10 दिवसाची मुदत द्या, म्हणून त्यांनी काल मुदती लेटर दिलेलं आहे आपल्याला आणि ते आपण पत्रकारांना पाठवलेलं आहे, आणि त्यामुळे त्याला आपण 10 दिवसाची मुदत दिली. परंतु 10 दिवसांमध्ये जर त्यांनी त्यांच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले नाही आणि त्यांनी अतिक्रमण काढलं नाही, तर आपण आपल्या मुद्द्यावर ठाम बसणार आहे. आपण उपोषण 100% ने 100% करणार. मग भले आपला जीव गेला तरी चालेल, पण आपण आपल्या मुद्द्याशी ठाम आहे. तो हम बात करते मनसे पदाधिकारी से, उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी, उन्होंने 5 मुद्दों की बात कही. एक मुद्दा जहां हम खड़े हैं वसई तांदूळ बाजार, दूसरा मुद्दा खाऊ गली का, तीसरा मुद्दा डीमार्ट के सामने जो इलीगल पार्किंग है, चौथा मुद्दा है वसई पारनाके का, और पांचवा एक मुद्दा पाचू बंदर का. इस तरह से 5 मुद्दों को इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि रखी है 5 मुद्दों की, और उनके ऊपर इनका ये साफ चेतावनी है कि अभी महानगर पालिका ने जो इनको एक पत्र दिया है, उस पत्र के आधार पर फिलहाल ये 10 दिन या 15 दिन जो भी समय दिया है, उस समय के हिसाब से स्थगित ही करते हैं अपने उपोषण की. लेकिन आने वाले समय में जो महानगर पालिका का जो अपना समय दिया हुआ है, उस समय के बाद अगर महानगर पालिका अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है, तो ये जरूर उपोषण करेंगे, इनका ऐसा कहना है. अभी यह देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में महानगर पालिका की इस पर क्या भूमिका रहती है, क्या वो जनता के इन मुद्दों को, ये तांदूळ बाजार का मुद्दा पिछले 1.5 साल से कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया, कई बार जनता के सामने लिए, लेकिन महानगर पालिका ने हर बार
एक ही चीज़ बोला है कि ये कोर्ट मैटर है। कोर्ट मैटर आपको ये बता दूं कि तांदूल बाजार का विवाद है वो कोर्ट मैटर है, दीवार का विवाद में कोई कोर्ट मैटर नहीं है। हमारी मांग ये थी कि दीवार जो है नाले पे फिर से बांधी गई है, उस दीवार को तोड़ा जाए, लेकिन तब भी महानगर पालिका ने कोर्ट मैटर के नाम पर घुमाया है मुद्दा को। हर बार महानगर पालिका मुद्दे को घुमाती है, डाइवर्ट करती है। इसके लिए महानगर पालिका को कहीं ना कहीं अब सोचने की ज़रूरत है। आज हम देख चुके हैं कि देश में एक बड़े आंदोलन की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। 365 दिन से चला हुआ आंदोलन था, सरकार आज झुकी है, कृषि कानून को वापस लेने की बात की गई है। तो इसी तरह से देश में गांधीगिरी होती रहेगी, आंदोलन उपोषण होते रहेंगे अगर जनता के मुद्दे हल नहीं हुए तो। इसलिए महानगर पालिका इन मुद्दों को सोचे। जब देश की सरकार झुक सकती है तो महानगर पालिका को झुकाने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए महानगर पालिका ये सोचे और आने वाले दिनों में जनता के हक में जनता के फैसले ले। आज के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।